फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द अदर 167, जहां मैं परवीन आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। नए साल 2023 की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। क्या लग रहा है कि मैं किसी दावत की तैयारी में हूं? मामूली दावत नहीं है, राजा ने बुलाया है। मैं तो अपनी बेस्ट पार्टी ड्रेस की तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर राजा को पोशाक पसंद नहीं आई तो वो नाराज हो सकता है। कुछ ऐसा ही एक पैरेबल में बताया है यीशु ने, मती 22:1-14 वर्स में। एक ऐसा पैरेबल जो इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक राजा ने अपने बेटे की शादी की जश्न में विवाह का उत्सव किया और दावत पे बहुत से लोग बुलाए, खास खास उसके पसंदीदा। अब हाई सोसाइटी में तो ऐसे इनविटेशन का सब इंतजार ही करते हैं, पर यहाँ अजीब सी बात हुई। लोगों ने बहाने बनाकर उस इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब दोबारा और उसके बाद भी सेवक भेजे गए तो उनका अनादर किया, मारा पीटा, कुछ को तो मार भी दिया। इस पर राजा को गुस्सा आना तो लाजमी था। उसने सेना भेजकर उनके नगरों को तबाह कर दिया। अब दूसरी तरफ दावत की तैयारी तो पूरी हो चुकी थी। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, मती 22:8-9 में लिखा है, विवाह का भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया था वह अयोग्य साबित हुए। इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और जो तुम्हें बुलाया मिले उसे ब्याह की दावत में बुला लाओ। सेवकों ने वैसा ही किया, बहुत से लोग आए। अब मेरे जैसे आम लोगों को अगर राजा के यहाँ दावत खाने को मिले तो कौन नहीं जाएगा। दावत के समय राजा आया, वो लोगों से मिल ही रहा था कि उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो दावत की पोशाक में नहीं था। उसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, मती 22:13, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। इतनी भयंकर सजा, मैं तो कांप ही गई। आखिर यीशु ने ऐसी पैरेबल क्यों सुनाई? उनका कहने का क्या मतलब था? क्या ये कोई वार्निंग थी? आइए हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं, इस मिस्ट्री को। जी तो आप जान ही गए होंगे कि पैरेबल में जो राजा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसका बेटा है यीशु मसीह, जो पापों और गुनाहों की पर अपनी विजय पाकर जिसके लिए जो जश्न किया गया था, जो विवाह के उत्सव की तरह बताया गया है। इस पर राजा ने अपने पसंदीदा और ख़ास लोगों को बुलाया। ये थी उसकी चुनी हुई कौम, यहूदी कौम, जिनको पहले भी वो प्रॉफिट्स और संतों को भेजकर बार बार छुटकारे का, मन फिराने का, पापों से, गलत कामों से दूर होने का संदेश भेजते रहते थे, और पर उन्होंने उसे इग्नोर किया। यहाँ तक कि कुछ संतों को का अनादर किया, मारा पीटा और उन्हें मार भी दिया। पर हद तो तब हो गई जब उन्होंने उसके बेटे को का अनादर किया, उसको इग्नोर किया, यहाँ तक कि बेरहमी से क्रूस पर चढ़ा दिया। इस पर परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, उसने यहूदी कौम को तबाह कर दिया। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है जब एडी 70 और 80 के बीच में रोमन आर्मी ने यहूदी लोगों को बिल्कुल कुचल डाला, उनके नगरों हैकल को पूरी तरह तबाह कर दिया, लाखों यहूदी लोग उसमें मारे गए और तितर बितर हो गए। इसके बाद शुरू होता है पैरेबल का दूसरा हिस्सा, जहां परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देकर अपने चेलों को पूरी दुनिया में अन्य जातियों में भेजा। आप जानते ही हैं कि चेले कैसे पूरी दुनिया में गए। सेंट थॉमस बहुत से देशों में प्रचार करते करते भारत पहुंचे। आप और मैं वो अन्य जातियां हैं जिन्हें अब बुलाया गया है। यीशु की निष्कलंक कुर्बानी ने हमारे लिए अनंत जीवन रूपी उस दावत के दरवाजे खोल दिए हैं। अनंत जीवन ही वो दावत है जिसमें अब हमें बुलावा आ चुका है, केवल यीशु की कुर्बानी और उसके अनुग्रह से। यहाँ लगता है कि दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी होने को है, परंतु बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ यीशु एक वार्निंग दे रहे हैं
अभी तक हमने यीशु को एक बहुत ही मेहरबान प्रेमी प्रभु के रूप में देखा है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार वो सिंहासन पर होंगे और हम उनके सामने खड़े होंगे और उनकी नजर हमारे लिबास पर होगी, हमारी पोशाक पर होगी। क्या है ये पोशाक और क्या क्यों हमें ये चाहिए? क्या यही चीजें हैं उस पोशाक में? ये हम देखेंगे पार्ट टू में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप और मैं ना सिर्फ वो भाग्यशाली लोग हैं बल्कि हम सेवक भी हैं जिन्हें ये पैगाम पहुंचाना है। सो प्लीज ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आमीन। गॉड ब्लेस यू।